कैसा है ना, हमारे कमिश्नर साहब को कमर्शियल काम ज्यादा पसंद है, पब्लिक के काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है। अभी कहीं तोड़ फोड़ बोलेंगे तो इमीडिएट आज की आज सब हो जाएगा, लेकिन कहीं पब्लिक सुविधा की बात होगी तो उनके कान पे जू नहीं रही। के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वहां पर 20 ब्रश जीएसबी डलवा करके रोड को लेवल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पानी बंद नहीं होने की वजह से जो है वो जीएसबी भी आधी बह गई। तो जब आप आगे जाएंगे तो जो कमर्शियल एरिया कारखाने वगैरह का जो एरिया है, हाँ, वहां पर पूरी तरीके से वो नाला जाम है। मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि अगर मान जिसकी वजह से वो पानी जो है वहां जाकर के फंस जाता है और इस तरफ से रिवर्स फिर इस तरफ आने लगता है। मैं रोज का काम है, कचरा सड़कों पे पड़ा है, गटरें भरी हुई है, ड्रेनेज लाइन एक बार बन गई तो उसका मेंटेनेंस आज तक कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो हल हो सकती हैं उस पे भी महानगर पालिका अगर सालों ध्यान नहीं देगी तो यही हाल होने वाला है। दी राइट वे इंस्टीट्यूट भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दिलाई जा रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका भी दिया जाएगा, जहां आपको रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जरिए पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, OT टेक्निक्स और गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट 50 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पर डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे MBBS, BUMS, BHMS, BDS के लिए भी एडमिशन्स कंसल्ट किए जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से राब्ता करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप मौजूद है भिवंडी के तैयब मस्जिद के सामने, खंडूपाड़ा और औचितपाड़े को जो कनेक्ट करता है रोड, उसके पास ही है हम और तैयब मस्जिद के ठीक सामने है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खड्डा, कुछ दिन पहले हमने इसे हमारे न्यूज़ में प्रकाशित किया था और यहाँ पे इस खड्डे के बारे में बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद भिवंडी ईस्ट के जो MLA है रईस शेख, उन्होंने यहाँ पर इस खड्डे को बुझाने का काम किया इस तरह से ये खड़ी और ये सब डालकर। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि खड़ी जो है दो दिन में यहाँ पर जो लगाई गई थी वो सब बहते हुए दिखाई दी, जिसके बाद यहाँ पर पानी जो है हालात जो है उसी तरह से हो गए थे जिस तरह से पहले थे, पूरा खड्डा वैसे ही हो गया था। और लोगों ने एक अलग कमेंट करने लगा कि रईस शेख ने किसी तरह का काम नहीं किया है। हम वो चीज़ यहाँ क्लियर करने के लिए नहीं आए हैं, मगर ये चीज़ जनता को बताने हैं कि यहाँ पे असल में काम हुआ क्या। तो जब वो पूरा चीज़ बह गया तो जिसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन निकलते हुए दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद जो ये पानी पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक ड्रेनेज लाइन है जो पूरी तरह से, ये देखिए ये पीछे जो आप ड्रेनेज लाइन देख रहे हैं ये पूरी तरह से चौकअप हो चुकी थी, जिसके वजह से ये बाहर निकलकर यहाँ पूरा पानी जमा होता था। और ये ड्रेनेज लाइन इस तरफ से ऐसे सीधी गई हुई है और इसके ठीक नीचे ये ड्रेनेज लाइन जो है पूरी पैक हो चुकी है, बंद हो चुकी है, जिसका सॉल्यूशन देखते हुए आज यहाँ पर समाजवादी के जुबैर शेख ने यहाँ विज़िट किया। और उसके बाद ये जो ड्रेनेज लाइन जो आप देख रहे हैं इसे एक नई लाइन यहाँ पर डालने का काम किया है और यहाँ से जाएगा। चलिए हम जुबैर शेख से बातचीत करते हैं और ज़रा इस पूरे मामले में जानकारी लेते हैं। जुबैर भाई, क्या है पूरा मामला, ये किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है? देखिए, ये तैयब मस्जिद औचितपाड़ा के पास का रोड है, मेन रोड तो जो है पूरा RCC बन चुका है। ये एक 180 मीटर का पैच है। इस 180 मीटर के पैच में मतलब इतना ज़्यादा खड्डे, और ख़ास तौर पे ये खड्डे होने का मसला ऐसा था ना कि ये ड्रेनेज का एक चैम्बर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ड्रेनेज के चैम्बर की लाइन ऐसा सीधी गई हुई थी उस तरफ दूसरे चैम्बर में मिली हुई थी, लेकिन बीच के दो या तीन पाइप पूरी तरीके से जाम है। तो सालों से ये पानी बह रहा है और कई बार इसकी शिकायत महानगर पालिका, ईगल, सबको की गई थी, लेकिन जो है उनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही थी। कैसा है ना, हमारे कमिश्नर साहब को कमर्शियल काम ज़्यादा पसंद है, पब्लिक के काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है। अभी कहीं तोड़ फोड़ बोलेंगे तो इमीडिएट आज की आज सब हो जाएगा, लेकिन कहीं पब्लिक सुविधा की बात होगी तो उनके कान पे जू नहीं रही।
अभी लास्ट वीक भी जो है आमदार रईस शेख साहब के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वहाँ पर 20 ब्रास GSB डलवा करके रोड को लेवल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पानी बंद नहीं होने की वजह से जो है वो GSB भी आधी बह गई। लेकिन अब MLA रईस शेख साहब और टीम ने जो है मिल करके इसका पूरा विजिट किया, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो हमको पता चला कि मतलब इस तरफ एक बड़ी लाइन है ड्रेनेज की और ये चैम्बर एकदम पूरी तरीके से क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो चैम्बर जो इस तरफ पूरा ब्लॉक था उसको ऐसा क्रॉस लाइन डाल करके इस चैम्बर में जोड़ रहे हैं ताकि ये पानी जो रोड पे बह रहा है ये इस तरफ से पास हो जाए। और ये गंदे पानी की वजह से नमाजियों को बहुत तकलीफ हो रही थी, कई सारी शिकायतें MLA रईस शेख साहब के पास आई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज MLA साहब ने जो स्टेप लिया है उससे ये गंदा पानी वानी रोड पे बहना बंद हो जाएगा और जैसे ही इंशाल्लाह आज ये लाइन का काम ख़त्म होगा हम इसको GSB वगैरह डाल करके रोलिंग करके इसको चलने के लायक कम से कम टेम्पररी बना देंगे बारिश तक। और बहुत जल्द मैं बताना चाहता हूँ कि 180 मीटर का जो ये पैच है 3 से 4 करोड़ रुपए का जो है इसका सैंक्शन है और इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस में ही है फाइल, किसी भी वक्त जो है इसका फंड जैसे ही रिलीज होगा तो ये भी RCC पूरा कंप्लीट हम करके देंगे। बस आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि महानगर पालिका अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, गटर नाले चैम्बर ड्रेनेज ये सब मेंटेन रखेगी तो शहर में इस तरीके के गंदे पानी का बहाव नहीं होगा, कहीं पानी नहीं भरेगा, कहीं गटर जाम नहीं होगी। लेकिन महानगर पालिका अपने काम में नाकाम है तो इसके लिए शहरियों को ये सारी चीज़ भुगतनी पड़ रही है। ठीक जुवर भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये लाइन यहाँ पे जोड़ दी जाएगी, जो पुरानी लाइन है वो तो फिर उसका क्या होएगा? नहीं नहीं, पुरानी लाइन को अभी इस वक्त अगर हम खोद के पाइप चेंज करने जाएंगे ना तो कैसा है कि बारिश का वक्त है और वो पॉसिबल नहीं है। हमने उसको भी देखा था, पहले हम वही करने वाले थे लेकिन वो लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है तो इसलिए हम उसको इस लाइन में जोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है, थोड़ा सा स्टेबल होता है माहौल, तो फिर हम वो लाइन को भी खोद के वो भी क्लियर करेंगे। तो ये कैसा है, वाई जंक्शन हो जाएगा तो इस तरफ का जो एक्सेस पानी आता है तो उसको दोनों तरफ से निकलने का रास्ता मिलेगा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं आएगी इस तरह। तो जिस तरह से हम देखते हैं थोड़ी सी बारिश में ये जो अभी नया नया रोड बनाया गया, नई नई गटर बनाई गई है ओशियन गार्डन के सामने, वहाँ पे पूरा घुटनों तक पानी चले जाता है। नहीं नहीं, उसके लिए कोई सोल्यूशन? देखिए, उसके लिए ओशियन गार्डन के सामने जो नया रोड अभी CC बना है, हमने पानी जब यहाँ पर भर रहा था उसकी शिकायत आ रही थी, हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, दोनों तरफ की ड्रेन हमने पूरा कंप्लीट A to Z उसको क्लियर करवाया, एक एक चैम्बर खोल के चेक किया गया, आदमी नीचे उतरे, पूरा सफाई हुई उसकी। लेकिन उसका जो मेन रिजल्ट जब हम उसकी जड़ में पहुँचे तो हमको पता चला कि तैयब होटल के पास से एक नाला अंदर की तरफ सिराजुल्लूम की तरफ मुड़ता है। तो जब आप आगे जाएंगे तो जो कमर्शियल एरिया, कारखाने वगैरह का जो एरिया है, हाँ, वहाँ पर पूरी तरीके से वो नाला जाम है। मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि अगर मान, जिसकी वजह से वो पानी जो है वहाँ जाकर के फंस जाता है और इस तरफ से रिवर्स फिर इस तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे महानगर पालिका की नाकामी, जो नाला वही, सफाई। वही मैंने आपको पहले भी यही बात बताई कि अगर नाला सफाई, ड्रेनेज, गटर, इस चीज़, ये सारी जो कॉमन चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में रोज़ का काम है, कचरा सड़कों पर पड़ा है, गटरें भरी हुई है, ड्रेनेज लाइन एक बार बन गई तो उसका मेंटेनेंस आज तक कुछ ठिकाना नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हल हो सकती हैं उस पर भी महानगर पालिका अगर सालों ध्यान नहीं देगी तो यही हाल होने वाला है। अब हमने आपको इंशाल्लाह अगर कभी मौका रहा तो मैं पूरा विजिट कराऊंगा, एक एक चैम्बर खोल के आपको दिखाऊंगा, पूरी गटर यहाँ से वहाँ तक क्लियर है जो नई बनी हुई है, लेकिन वो नाला जाम होने की वजह से वहाँ पर पानी फंसता है और पानी रिवर्स इस तरफ आता है और ये पानी जो यहाँ से फातमा नगर और इस तरफ से जो बह करके पानी इस तरफ आता है वो पास ही नहीं हो पाता क्योंकि आगे चौकअप है पूरा। ठीक, ये थे हमारे साथ समाजवादी से जुबैर शेख। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये देखिए पूरा इलाका जो है यहाँ पर, कुछ दिनों पहले हमने खबर बताई थी कि यहाँ पूरा पानी जमा होता था, अभी फिलहाल यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकलते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर एक वाई जंक्शन के हिसाब से एक अलग लाइन ले जाके निकाली जा रही, जिसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पर एक रोड का जो है निर्माण किया जाएगा। इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।